दोस्तों, टेक्निकल काम जॉब आपने हाथ में यूट्यूब चैनल स्वागत करते हुए एक पब्लिक नोटिस एक रिलीज हो चुके हैं जो कि बीआरओ की तरफ से है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क योजना की तरफ से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये जो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ वैकेंसीज जो इंक्रीज किया वो देखने को मिल रहा है और साथ में इसका जो डेट ऑफ एप्लीकेशन इसके एक्सटेंशन किए गए हैं, अर्थात 10 नवंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक से लेकर आईटीआई और ग्रेजुएशन कैंडिडेट नॉर्मल बीए पास वाला अप्लाई कर सकते हैं। इसका टोटल डेट ऑफ एप्लीकेशन और इसका कितने वैकेंसीज इसके इंक्रीज किए गए हैं और साथ में इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एडिशनल क्या रिक्वायरमेंट है और एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल डिटेल्स देने वाला हूँ। डिटेल्स देने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ, काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस प्रकार की जॉब रिगार्डिंग वीडियो सबसे पहले पाने हैं तो सबसे जो 10 नवंबर 2022 को एप्स को अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। उसका जो कुछ वैकेंसी जो इंक्रीज किए हैं इसको सबसे पहले बताना चाहूँगा। जो एक्साइटिंग 14 की जगह 16, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का जो 35 का जगह 46, इलेक्ट्रीशियन का 30 की जगह 43, मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ का 22 की जगह 27 और मल्टी स्किल वर्कर कुक का 82 से जगह 133 वैकेंसी इंक्रीज किए हुए देखने को मिल रहा है। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ड्राफ्टमेंट के लिए 10+2 के साथ साइंस स्ट्रीम्स होना चाहिए और इसका जो आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई होने से भी चलेगा। और इसमें सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स जो, और साथ में नेशनल के जो एनसीसी जो होते हैं, बी सर्टिफिकेट और एक्स नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी से भी चलेगा। ओके, जो एक्स सर्विसमैन की बात करें, सुपरवाइजर स्टोरेज के लिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और इसका जो कुछ प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट है। और सुपरविजर साइफर के लिए डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और हिंदी टाइपिस के लिए 10+2 के साथ आपको हिंदी टाइपिस में 10-30 वर्ड्स पर मिनट आपको इसको टाइपिस करके आना चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए मेट्रिकुलेशन के साथ आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड के पास होना चाहिए, इसमें कि वायरलेस ऑपरेटर्स का आईटीआई वगैरह होने से भी चलेगा। डिफेंस के लिए डिफेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी अनिवार्य है। और जो इलेक्ट्रीशियन के लिए मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको आईटीआई वेल्डर ट्रेड में आपको पास होना चाहिए और वेल्डर के लिए भी सेम है। और साथ में जो मल्टी स्किल वर्कर ब्लैक स्मिथ के लिए मैट्रिक, सिंपल मैट्रिक के साथ साथ आपको मल्टी स्मिथ टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो मल्टी स्किल वर्कर कुक के लिए मैट्रिकुलेशन, सिंपल मैट्रिक पास के साथ आपको अच्छा सा बढ़िया खाना बनाना आना चाहिए। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, टोटल आपको इसको रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट, एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करें तो ड्राफ्टमेंट, सुपरविजर और ये सुपरविजर स्टोरेज, सुपरविजर साइफर, हिंदी टाइपिस, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर और मल्टी स्किल ब्लैक वेल्डर तक, इसमें टोटल 18 से 27 साल की उम्र होना चाहिए, अर्थात 18 to 27 ईयर्स। और जो मल्टी स्किल ब्लैक स्मिथ और कुक के लिए 18 से 25 ईयर्स देखने को मिल रहा है। साथ में अकॉर्डिंग टू गॉप का जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन के अनुसार यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई इसमें एज का रिलेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स और अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स देखने को मिल रहा है, अर्थात 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज़ आपको इसको फ़ी पे करना पड़ेगा और जो ओबीसी के लिए 50 रुपये पे करना पड़ेगा। एससी एसटी और जो बेंच ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसमें ऑनलाइन आपको ये जो दे रखे https://www.onlinesbi.mis में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और हाउ टू अप्लाई के इंग्लिश हिंदी में इसमें जो फॉर्म दे रखा है, फॉर्म फिलअप करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 1 माइल रन आपको रनिंग करना पड़ेगा, वो भी 10 मिनट में। काफ़ी टाइम है, 10 मिनट में 1 माइल रन करना बहुत ही आसान है। ओके, एलिजिबल कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन को और इस डिटेल्स को आप रीड करके अप्लाई कर सकते हैं
और इसमें काफ़ी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, टेट टेस्ट और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसका डीपली इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया है। यदि आप रीड करने के बाद एलिजिबल है इसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको टोटल इसका कॉन्सर्न डॉक्यूमेंट्स जो भी एलिजिबल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें जो एक्नॉलेजमेंट है जैसे कि SC ST या OBC कार्ड का जो भी एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड से सबका सिग्नेचर कराने के बाद और खुद का सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद कमांडेंट ग्रीफ सेंटर डिघी कैंप Pune 4110015 की तरह रजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं। ओके, वो भी ऑन और बिफोर 10 नवंबर 2022 के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है और बहुत ही बढ़िया जॉब है। यदि इसको आप एलिजिबल है अप्लाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस प्रकार की जॉब रिगार्डिंग मीन वीडियो सबसे पाने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।